उसी प्रकार से अभी पूनम जी मुझे बता रहे थे कि हमें काम दीजिए आप और हम उसको करके दिखाना चाहते हैं। सामान्यतया ऐसे किसी फंक्शन में जाते हैं तो जो बुलाने वाले लोग होते हैं बुलाते समय तो हमें बहुत बताते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप आइए, हमारी शोभा बढ़ेगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, और जब जाते हैं तो मेमोरेंडम पकड़ा देते हैं कि हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। ये अक्सर हमारा अनुभव रहता है और वो गलत है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, स्वाभाविक भी है, लेकिन यहां मेरा अनुभव अलग हो रहा है। यहां मुझसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि मोदी जी हमें कोई काम बताओ। मैं इस बात को छोटी नहीं मानता हूं, बहुत बड़ी बात मेरे लिए है ये कि कोई मेहमान हमें के रूप में कहीं जाए और बुलाने वाला हमसे कुछ मांगे नहीं और ऊपर से ये कहें कि हमारे लिए कोई काम बताइए। तो मैंने पूनम जी को कहा, क्या लगता है क्या कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा, क्या गंगा सफाई का जो आपका सपना है क्या उसमें हम जुड़ सकते हैं? क्या हम हमारे डीएवी के छात्रों को गंगा सफाई के काम से जोड़ेंगे, हमारे शिक्षकों को जोड़ेंगे, हमारे अभिभावकों को जोड़ेंगे? गंगा सफाई का अभियान करते करते कई सरकारें आई और चली गई, पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है कि गंगा सफाई होके रहेगी अगर मुझे ये साथ मिल जाए। जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो कोई समस्या समस्या नहीं रहती है, वो समस्या अपने आप में अवसर में पलट जाती है। और आज मैं देख रहा हूं कि डीएवी की ये शक्ति, आर्य समाज की शक्ति, गुरुकुलों की शक्ति, आर्य समाज से जुड़े हुए सभी साधु महात्माओं की शक्ति, ये जब गंगा सफाई के आंदोलन का हिस्सा बन जाए तो फिर तो गंगा सफाई, मैं नहीं मानता हूं, वो सपना कभी अधूरा रह सकता है। और यही नया संकल्प है, यही नया संकल्प है। और गंगा साफ हो तो सिर्फ वहां पर जाने आने वालों के लिए या नजदीक में रहने वालों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाली वो घटना होगी। और एक काम हम शुरू करें, हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे। एक बार हम तय कर लें कि हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे तो गंगा में अपने आप ताकत है, सफाई तो वो अपने आप कर लेगी। आज मुसीबत गंगा की वो नहीं है, मुसीबत हम है जो उसे गंदा करते हैं। एक बार गंगा तट पर रहने वाले सभी एक बार संकल्प कर लें, गंगा के दर्शन के लिए आने वाले लोग संकल्प कर लें कि हम गंगा को गंदी नहीं होने देंगे तो गंगा सफाई सफल होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। और डीएवी का ये 2 करोड़ का परिवार, ये 2 करोड़ का परिवार लग जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारी गंगा अशुद्ध रह सकती है। और जब हम आर्य समाज के 150 साल मनाएं तब हम इस भारत मां के चरणों में शुद्ध गंगा कैसे दें,
साफ सुथरी गंगा कैसे दे, ये सपने लेकर के चले, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं।